प्रताप सिंह। यहाँ किस उद्देश्य से है? मैं कबड्डी खिलाने, खेलने, देखने। ये जितने भी दर्शक हमारे यहाँ इस साइड खड़े हुए हैं, रस्सी को कोई ना पकड़े। अगर रस्सी छूट गई तो आप भी छूट जाएंगे और हम भी छूट जाएंगे। रस्सी और बल्लियों के आसपास कोई नजर ना आए। दीवानगंज और भादर दीवानगंज और भादर के बीच होने जा रहा है। टॉस उछाला गया है, सीधा किसके पक्ष में गिर रहा है ये देखने की बात है। खेल आया है तो भादर के पक्ष में आ गया है। उन्होंने बोर्ड आप चूज कर सकते हैं, सॉरी भादर की टीम ये है, दीवानगंज चूज कर सकती है। दीवानगंज की टीम ने टॉस जीता है, रेड चूज किया है, तो भादर की टीम कोर्ट चूज कर सकती है। उसको ऊपर डिपेंड करता है कौन सा कोर्ट लेगी वो। ये मैच 12 मिनट का खेला जाएगा, 6 मिनट का पहला हाफ रहेगा। इसको ध्यान देंगे दोनों टीम। चलिए लाइन मैन रेडी हो जाए। ओके, पहली रेड दीवानगंज के लिए बिल्कुल लोकल टीम है। यहाँ से किस तरह का प्रदर्शन करेगी ये देखने की बात है। हाइट तक की कोशिश की गई रेडर के द्वारा, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई है अभी तक। और यहाँ पर तो टच, अच्छी रेड, पहला पॉइंट अर्जित करते हुए दीवानगंज इस समय रेड करने के लिए 1-0 के लिए दीवानगंज के नाम लोकल। किया गया है निश्चित तौर पर अच्छा प्रदर्शन करते हुए बिल्कुल शुरुआत से। तो 6 मिनट का पहला हाफ 2-0 के लिए दीवानगंज के नाम भादर के खिलाफ। यहाँ पर निश्चित तौर पर अच्छा खेल दिखा रही है दीवानगंज की टीम, लोकल टीम है। यहाँ पर एक और पॉइंट लेकर अभी तक कोई पॉइंट अर्जित नहीं कर पाई है भादर की टीम, लेकिन इस बार थोड़ा सा ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हुए खिलाड़ी दीवानगंज के पॉइंट अर्जित की भादर ने। पहला पॉइंट उनके नाम जाता हुआ। बोनस ऑन है नहीं, 5 खिलाड़ी है। बैक किक यहाँ पर लगाई गई जबरदस्त तरीके से। एक पॉइंट और, निश्चित तौर पर पॉइंट में जहां तक सवाल है अभी 4 और 1 चुकी है इस समय दीवानगंज की। और क्या सवाल आपकी लोकल टीम के लिए जोरदार तालियां। बिल्कुल जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है इस समय। एक और बैक किक, लेकिन कामयाबी नहीं। सुपर टैकल ऑन है, इन खिलाड़ी है मात्र कि रेड एम्पी जाती हुई, हालांकि दीवानगंज के नाम अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हुए इस समय दीवानगंज की टीम। निश्चित तौर पर कह सकते हैं इस समय रेडर बोनस ऑन है, क्या लेने की कोशिश करेगी। दीवानगंज के लिए अमेठी सिटी बनाम तेजगढ़, दोनों टीम के कप्तान अपनी टीम के खिलाड़ी लेकर रेडी रहे। तो दोनों टीम जल्दी आए। इसके पहले रेड पर टैकल किया गया, आपने पीठ दिखा दिया था वहां पर डिफेंडर को, तो खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। हालांकि ये रेड एंट्री गई है, लेकिन एक मजबूत महल की तरफ जाती हुई समय 6 और 1 दो खिलाड़ी मात्र बचे हैं, क्या रिवाइव करेगा ये लीडर इस समय भादर का मुश्किल वक्त के लिए? कोशिश करता हुआ रेडर, लेकिन अभी तक तो कामयाबी नहीं मिल पाई। और एक पॉइंट तो अंतिम खिलाड़ी ऑल आउट होती हुई टीम भादर। चलिए एक बार दीवानगंज के लिए जोरदार तालियां। हालांकि मेरे समझ में नहीं आता कि लोकल टीम है, दर्शक को क्यों साफ सो गया है, इतना बढ़िया खेल का प्रदर्शन कर रही है दीवानगंज की टीम। दर्शकों से एक बार भी नहीं लग रहा है उनको देख के। बिल्कुल अच्छे खेल, हौसला अफजाई करना चाहिए आपको। इधर रेडर दीवानगंज निश्चित तौर पर बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन दीवानगंज टीम का। हालांकि मुझे तो उम्मीद नहीं थी इस तरह के प्रदर्शन की, लेकिन जबरदस्त प्रदर्शन कह सकते हैं आप, काबिले तारीफ। रेसो की गई है, ऑल आउट कर चुके भादर को। क्या भादर पलटवार करेगी ये देखने की बात होगी यहाँ से, क्योंकि पूरा दबाव इस समय भादर पर है। लीजिए हो गया काम। दोनों देखा जाए दोनों पार्ट में इस समय कह सकते हैं, और यहाँ पर पहली बार टैकल किया गया है रेडर को। उसके बाद जो मैच खेला जाएगा अमेठी सिटी। क्या प्रदर्शन किया है यहाँ पर, डैश किया गया है यहाँ पर। यार चैंपियन की तरह टीम खेल रही है दीवानगंज निश्चित तौर पर। भैया ऑल आउट हो गए, आ जाइए। 6 मिनट के गेम में पहले हाफ में 2 मिनट 2 बार ऑल आउट हो चुकी है भादर की टीम। एक बार तालियां बोलनी चाहिए दीवानगंज के लिए, पहले हाफ में 2 बार ऑल आउट किया है। चलिए हाफ टाइम के पहले की अंतिम रेड है, रेड एम्प्टी गई है और यहाँ पर हाफ टाइम कंप्लीट होता हुआ हम आपको पॉइंट बता देते हैं कि 21 and 2 जबरदस्त प्रदर्शन दीवानगंज का। सभी दर्शक एक बार रस्सियों से पीछे हो जाएं, अगर आप हमारा साथ देंगे तो आपके प्रो कबड्डी के प्लेयर्स आएंगे, तो हम आपका साथ देंगे। अगर आप व्यवस्था को बिगाड़ेंगे तो हमें आपको मजबूर करना पड़ेगा। तो दूसरे हाफ का चल रहा है 21 और 2 यानी 19 पॉइंट की बढ़त। तो यहाँ से तो कोई चमत्कार ही अब भादर को बचा सकता है इस टूर्नामेंट में। और दीवानगंज को चाहिए कि सिर्फ वो करें और इस मैच को जीते। हालांकि लगभग कह सकते हैं जीत ही चुकी है, क्योंकि 19 पॉइंट कम नहीं होता आसान। इस तरह टैकल आप नहीं कर सकते जिस तरह आपने 2 बार ऑल आउट किया, आप भी ऑल आउट हो सकते हैं, लेकिन ये गलत टैकल का प्रयास। तो एक बौखलाहट जो होती है आजाद, वो दिख रही है इस समय भादर के खिलाड़ियों में। बिल्कुल क्योंकि टीम बहुत पिछड़ चुकी है। चलिए एक और अच्छा टैकल, तो कोई मौका देना ही नहीं चाहते यहाँ दीवानगंज के खिलाड़ी। इसी की जरूरत भी है, पूरी तरह से जोशो खरोश के साथ इस समय खेल दिखाते हुए। रेडर दीवानगंज जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई है टीम इस समय निश्चित तौर पर। हालांकि अभी कबड्डी में मेन गेम तो बाकी ही है, आप सब जानते हैं। प्रो कबड्डी के तमाम खिलाड़ी, बाहर की तमाम टीमें आई हुई हैं। इस राउंड के बाद जब मैचेज होंगे तो वाकई लाजवाब मैचेज होंगे। यहाँ टच पॉइंट लिया है भादर के रेडर ने, 1 पॉइंट और ज्यादा हुआ भादर के लिए। हालांकि अब इस सिंगल पॉइंट से कुछ नहीं हो सकता, आपको गुच्छों में पॉइंट लाना होगा, सुपर रेड लगानी होगी। वक्त की बात है कि कब ये 6 मिनट कंप्लीट हो और यहाँ स्मार्टफोन पॉइंट का इशारा आता हुआ थोड़ा सा अति आत्मविश्वास कह सकते हैं यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन पॉइंट का फासला अभी भी बहुत है 25 और 6। अगला मैच अमेठी सिटी और तेजगढ़ के बीच होना है। दोनों टीमें बिल्कुल तैयार हैं, आपको समय नहीं दिया जाएगा। तो 4 खिलाड़ियों के साथ इस समय डिफेंड करते हुए दीवानगंज की टीम, मात्र 4 खिलाड़ी हैं बचे। ऑल आउट करेगी भादर की टीम, हालांकि पॉइंट का फासला बहुत ज्यादा है लेकिन टैकल भी खूबसूरत किया गया। तो कोई मौका यहाँ नहीं देना चाहते हैं दीवानगंज के खिलाड़ी। दर्शकों के चॉइस में थोड़ा कमी आ रहा है, हालांकि दीवानगंज के खिलाड़ियों के अंदर भरपूर जोश दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार जब दोनों पैरों को होल्ड कर लिया गया तो कोई मौका नहीं था रेडर के पास। आउट रेडर, रेडर भादर, क्या यहां से और यस देखना पड़ेगा। सुंदर एडवांस टैकल किया गया है, लेकिन वो कहते हैं कि थोड़ा सा लेट हो चुके हैं भादर के खिलाड़ी को, यानी सुपर टैकल होगा या कोई टच पॉइंट लेकर भादर का रेडर ये जाएगा, ऑल आउट करेगा दीवानगंज को। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, अभी इससे भी जबरदस्त प्रो कबड्डी किया गया है, बिल्कुल डांस किया गया है यहाँ पर। क्या यहाँ ऑल आउट करने का हुई भादर की टीम, 2 पॉइंट मिलेगा भैया। सुपर टैकल हुआ है, बहुत गजब, तालियां देनी चाहिए, बहुत गजब। सुपर रन है हमारे रेडर की दीवानगंज के, एक बार इनके लिए जरूर जोरदार ताली बजाइए। अंतिम रेड है ये, अंतिम रेड है इस मैच की, तो भादर के लिए अब कुछ बचा नहीं है लेकर जाते हुए, लेकिन मैच दीवानगंज ने 11 और 32 से जीत ली है। दीवानगंज के लोग मिलने पर टीम अमेठी सिटी और तेजगढ़ दोनों टीम तैयार रहे। अगर यकीन पक्का हो तो कुछ भी जिंदगी में नामुमकिन नहीं। सर एक मिनट और